हैं तो अभी है शाम का टाइम, अभी शाम के 8 बजने वाले हैं, तो हम लोग रेडी हो गए, खाना बन गया। खाने में हमने कुछ नहीं, पनीर की सब्जी और क्या कहते हैं रायता पूड़ी और मीठा होगा कुछ भी, और केक वगैरह आ गया। और हर्षु भी रेडी हो गए, हर्षु का अभी जस्ट एक टीथ फिर से टूट गया। और मैं पता नहीं मैंने उतारा कि डाल दिया सिंग में, वो डाल चला गया। कोई नहीं, तो हर्षु भी देख सकते हैं आप इधर खड़ी हो बेटी, हर्षु भी रेडी हो, रेडी हो गई। हर्षु कैसी लग रही है बताना जरूर कमेंट करके। बैठो, दिखाओ है हर्षु, और देख सकते हैं मैं आपको हैप्पी बर्थडे का दिखा रही हूँ। मेरे भाई ने डेकोरेट किया है तो दिखाती हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से, और इस तरीके से, और ये हर्षु बैठी हुई है। हर्षु कैसी लग रही है दादी, सही से हो ऐसे का तुम आकर दिखा दो। भैया अभी कपड़े वगैरह भी लाए हैं सब, तो हर्षु को रेडी भी कर दिया, आ जाओ इधर ही। कुछ बच्चों को बुलाया है और कोई नहीं है, भाई जो रहते हैं वो यहीं पर पढ़ते हैं तो वो लोग हैं, और बच्चों को बुलाया है ओनली जो छोटे छोटे हर्षु के फ्रेंड है, और कोई नहीं है। तो मुझे भी देख सकते, और ये जो आप ये रिंग देख रहे हैं मैंने मीशो से मंगवाए हुए थे, पूरा हॉल मतलब पूरा सेट आया हुआ था इसका, कॉम्बो सेट था। तो कैसे लग रहे हैं, बर्थडे गर्ल बैठी हुई है। ओ बर्थडे गर्ल, बर्थडे गर्ल इतना भाव खा रही है आज। ये मम्मी बैठी हुई है, दादी जा रही है हर्षु की बर्थडे नहीं का केक नहीं काट रही है अब। बर्थडे गर्ल हाय तो बोल दो। हाँ शूज ड्रेस सब कुछ नया नया, क्यों
देख सकते केक कट की तैयारी हो रही है, मोमबत्ती वगैरह जला रही है। और यहाँ पे मैं हूँ, मम्मी है मेरी सासू माँ, और हस्बैंड है, भाई है मौसी का लड़का, और हर्षु है, और हर्षु की फ्रेंड है। तो बस हम ही सब लोग थे, और अब होगा केक कट, तो आप लोग एंजॉय करना। ये दूसरी हर्ष बैठ गई। और केक कट हो गया, तो देख सकते हैं आप, पहले हस्बैंड ने बेटी को खिलाया केक, और फिर बाद में खिलाएंगे मम्मा को। तो इसके बाद सब लोग हर्षता का टीका करेंगे और केक खिलाएंगे सब। तो आप लोग देखते जाइए, और सच में बहुत एंजॉय किया सब लोगों ने, बहुत मज़ा आया। तो फुल मस्ती देखते रहिए आप लोग। और ये इसको मुझे नाम नहीं पता आ रहा याद, मतलब क्या बोलते, तो जब इसको मतलब स्प्रे टाइप का होता है उससे तो कुछ नहीं, पर इसको जब गाला ना तो पूरे केक पर सब जगह चिपक गए थे। और ये जो है ना पन्नी के बने हुए थे, तो पहले तो मैंने सोचा कि ये फालतू में मंगवाया, मतलब सब जगह केक पर लग गया और सब जगह ऐसा हो गया, बट देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। तो यहाँ पे देख सकते, मैं टीका कर दूंगी हर्षु का, और उसकी जो फ्रेंड वगैरह थी सब जो भी लाई थी गिफ्ट वगैरह, और केक खिलाएंगी। ये है हर्षु की दादी, और जो सामने रेड कलर की फ्रॉक में बैठी हुई है वो है हर्षु की फ्रेंड, और ये भी हर्षु की फ्रेंड है। इस बार ना मेरी डेकोरेट में किसने मदद की, मतलब मैंने कुछ भी डेकोरेट नहीं किया, मेरा जो भाई है मौसी का लड़का उसी ने सारा डेकोरेट किया। सच में मैं खाना बनाने में बिजी थी और उसने पूरा डेकोरेट किया। तुम भी तो खिला दे जाओ। केक कट हो गया था, फोटो वगैरह हो गई थी सब लोगों के, जितने भी हर्षु की फ्रेंड थी। तो अब हर्षता के फ्रेंड को माजा वगैरह पिलाएंगे, पेप्सी कुछ, और उसके बाद खाना खिलाएंगे। तो देख सकते हैं आप, और आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, और मेरी बेटी को ढेर सारी विशेस देना। और आज का ब्लॉग आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर
सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और मेरे चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आप लोगों को सब्सक्राइब नहीं करते कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, स्वस्थ रहो, बाय।